film of Indian cinema Sholay has turned 40, and on this occasion, director Ramesh Sippy revealed that he chose Amitabh Bachchan for the role of Jay because he wasn't a big star at that time. Yes, you heard it right. Amitabh was signed for Sholay because he was not a big star. हमसे खास बातचीत के दौरान रमेश सिप्पी ने बताया कि उन्होंने फिल्म में जय का किरदार निभाने के लिए अमिताभ को ही क्यों चुना। उस वक्त अमिताभ जी की किस्मत कुछ गर्दिश में थी, सितारे गर्दिश में थे उनके, और फिल्में चल नहीं रही थी। शायद इसी वजह से हमने उन्हें लिया कि इतने सारे स्टार कास्ट को संभालना मुश्किल होगा, तो एक ऐसा आदमी हमें चाहिए जो एक्टर बढ़िया हो लेकिन स्टार ना हो। तो वो हमें लगा कि इस आदमी में है। संजीव सलीम जावेद ने नाम उनका सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि एक फिल्म जो हमारी दूसरी बन रही है जंजीर, उसमें ये काम कर रहा है लड़का और बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमने खुद उनकी दो फिल्में देखी थी, आनंद और बॉम्बे टू गोवा। ये दोनों फिल्मों में उन्होंने एक में लाइट रोल प्ले किया था, एक में सीरियस रोल प्ले किया था, और दोनों बहुत अच्छी तरह निभाया दोनों रोल्स को। तो हमने सोचा कि ये आदमी एक्टर अच्छा है, और फैसला करके उन्हें ले लिया। जया जी भी अभी स्टार बन गई थी, गुड्डी रिलीज़ हुई थी, एक दो और फिल्में उनकी रिलीज़ हुई थी, और दोनों एक दूसरे को रियल लाइफ में भी चाहते थे। तो एक लगा कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा, और ऐसी एक्ट्रेस जो बिना कोई डायलॉग बोले एक्सप्रेशन इस तरह दे, मुझे कोई दूसरी एक्ट्रेस नजर नहीं आई उस वक्त, इसलिए उनको चुना। Well, times change, but the stories about the making of Sholay still surprise us. That's the charm.